हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में सब मित्रों का स्वागत है। मित्रों, हमने पढ़ा था इसके पहले जितने भी प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं थी उनके बारे में हमने मित्रों अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और मित्रों, हमने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि चित्रकला के विभिन्न माध्यम, मतलब जो चित्रकला के विभिन्न माध्यम हैं, जो चित्रकला बनाने का जो माध्यम था उनके बारे में पहले चर्चा करेंगे मित्रों। हम जो बहुत सारे माध्यम हैं, लगभग 50-60 माध्यमों में हम इसकी जानकारी आपको देंगे। तो मित्रों, हम पार्ट वाइज इस वीडियो को डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में हम पूरा ऐड नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, कुछ कुछ जो है ऐड करते जाएंगे, तो इसको हम 2 से 3 पार्ट में विभाजित कर देंगे मित्रों। तो मित्रों, चलिए आज हम देखते हैं चित्रकला के विभिन्न माध्यम। तो हेडिंग बनाना है मित्रों, चित्रकला के विभिन्न माध्यम। तो मित्रों, हम अगर चित्रकला के विभिन्न माध्यमों के बारे में बात करते हैं, तो हम पहले बात करते हैं मित्रों सेड। सेड किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सेड, सेड या फिर इसको हम छाया भी कहते हैं मित्रों। इसमें क्या होता है मित्रों, किसी भी रंगत को हम लिख सकते हैं इसमें मित्रों, किसी भी रंगत के गहरापन या हल्कापन। किसी भी रंगत के हल्कापन या गहरापन को हम मित्रों छाया या प्रकाश कहते हैं, या शेड कहते हैं। हम उसे शेड कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं? शेड या छाया प्रकाश कहते हैं, छाया प्रकाश कहते हैं मित्रों। शेड हम किसे कहते हैं, या इसी को हम छाया जो है इसी को हम क्या कहते हैं? किसी भी रंगत के गहरापन या हल्कापन को हम सेड या छाया कहते हैं मित्रों। इसके बाद हम बात करते हैं मैनकाइंड के बाद बात करते हैं। तो मित्रों, नेक्स्ट है मैनकाइंड। इसमें क्या होता है मित्रों, मैनकाइंड में मित्रों हम लिख सकते हैं इसमें, इसमें चित्रकार, चित्रकार मानव के देह का चित्रण कार्य करता है, चित्रण कार्य करता है। इसे हम जो है मित्रों मैनकाइंड कला कहते हैं, मैनकाइंड कला कहते हैं मित्रों। इसके बाद हम मित्रों नेक्स्ट में बात करेंगे, सेड हो गया और मैनकाइंड हो गया, और जो नेक्स्ट है हमारा 1, 2 और 3 मित्रों। तीसरा है माध्यम पैटर्न, पैटर्न। इसमें क्या होता है मित्रों, सकते हैं मित्रों पैटर्न का मतलब क्या होता है? अलंकारिक, अलंकारिक आलेखन को
हम पैटर्न कहते हैं, पैटर्न कहते हैं मित्रों। तो एक बार हम इसको पुनः देखते हैं मित्रों, शेड या छाया को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी रंगत के गहरापन या हल्कापन को हम शेड या छाया प्रकाश कहते हैं मित्रों। और मेन काइन कला चित्रकला की सहायता से मानव के देह का चित्रण कार्य किया जाता है या चित्रण नमूना बनाया जाता है, इसे हम मेन काइन कला कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, मेन काइन कला कहते हैं। और इसके बाद पैटर्न मित्रों, पैटर्न में क्या होता है, अलंकारिक आलेखन को हम पैटर्न कहते हैं मित्रों। इसके बाद हम जेनर पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, तो इसको हम रफ कर रहे हैं मित्रों, नोट कर लेना। इसके बाद मित्रों जेनर पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, तो हम लिखते हैं यहां पर जेनर पेंटिंग। मित्रों जेनर पेंटिंग में क्या होता है, इसमें जनसाधारण से संबंधित चित्रण कार्य किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं मित्रों, इसमें जनसाधारण संबंधित चित्रण कार्य किया जाता है, चित्रण कार्य किया जाता है, इसे हम जेनर पेंटिंग कहते हैं, जेनर पेंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद हम लोग बात करते हैं मोजाइक और मरकुटिम पच्ची चित्रकारी के बारे में बात करते हैं मित्रों। तो हम लोग लिख सकते हैं पहले तो मोजाइक या मरकुटिम मरकुटिम पच्ची कारी, पच्ची कारी। इसमें मित्रों क्या होता है, मोजाइक मरकुटिम या पच्ची कारी में इसका माध्यम क्या होता है मित्रों, इसमें क्या क्या प्रयोग होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें रंगीन कांच और रंगीन पत्थर तथा धातुओं को पत्थर पर जमाया जाता है, जमाया जाता है, इसे हम मोजाइक या मरकुटिम या पच्ची कारी कहते हैं मित्रों। अब हम देखते हैं भारत में सबसे पहले मोजाइक या मरकुटिम या पच्ची कारी में सबसे पहले चित्रण कार्य किसने करवाया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं भारत में। तो मित्रों इसको नोट कर लेना या हम इसी के नीचे लिख देते हैं मित्रों, भारत में सर्वप्रथम जहांगीर ने, लिख सकते हैं सर्वप्रथम चित्रकार भारत का मोजाइक पेंटिंग या किसने कार्य करवाया था, तो हम लिख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जहांगीर ने अपने ससुर
ससुर का या फिर हम लोग ससुर एतमदुद्दौला का मकबरा बनवाया था। तो लिख एक बार पुनः देखते हैं मित्रों, जेनर पेंटिंग में क्या होता है, इसमें जनसाधारण संबंधित चित्रण कार्य किया जाता है, इसको हम जेनर पेंटिंग कहते हैं। मोजाइक, मणकुट्टी, पच्ची कार्य में क्या होता है मित्रों, इसमें रंगीन कांच और रंगीन पत्थर और धातुओं को पत्थर पर जमाया जाता है। मित्रों भारत में सर्वप्रथम जहांगीर ने अपने ससुर एतमदुद्दौला का मकबरा मोजाइक पद्धति से बनवाया था। मित्रों अगर हम इसकी और बात करते हैं तो इसका प्रयोग मतलब जो मोजाइक मणकुट्टी पच्चीकारी का प्रयोग ये जो है बाइजेंटाइन काल में हुआ था मित्रों। तो हम इसको रफ कर रहे हैं, आप नोट कर लेना। इसके बाद जो हम नेक्स्ट थोड़ा सा देखेंगे जो अगला है, इसके बाद मित्रों कौन सा माध्यम आता है तो नाइफ पेंटिंग, नाइफ पेंटिंग। मित्रों नाइफ पेंटिंग में क्या होता है, इसमें मित्रों इसमें नाइफ या चाकू के माध्यम से रंग भरे जाते हैं, रंग भरे जाते हैं, इसे हम नाइफ पेंटिंग कहते हैं, इसे हम नाइफ पेंटिंग कहते हैं, नाइफ पेंटिंग कहते हैं मित्रों। और सबसे अधिक प्रयोग करने वाला चित्रकार कौन था, और नाइफ पेंटिंग का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है तो मित्रों एम एफ हुसैन ने किया है, हुसैन ने किया है अधिक प्रयोग नाइफ पेंटिंग का, एम एफ हुसैन महोदय जी ने किया था। और इसके बाद मित्रों मैं बात करता हूं कोलाज पद्धति की। तो ये कोलाज का पैटर्न थोड़ा बड़ा है, इसको आप नोट कर लेना, तो इसके बाद में बढ़ता हूं। कोलाज, कोलाज किसे कहते हैं, कोलाज पद्धति, कोलाज पद्धति मित्रों किसे कहते हैं तो इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें कागज के या कपड़े के टुकड़ों का प्रयोग होता है, इसमें कागज के या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। मित्रों
कोलाज पद्धति में इसमें कागज के कपड़े का छोटा छोटा टुकड़ा प्रयोग किया जाता है मित्रों। इसके बाद इसकी खोज 1912 में कोलाज पद्धति की खोज के बारे में देख लेते हैं मित्रों। खोज सन 1912 ईस्वी में जॉर्ज ब्राक ने किया था, जो घनवाद का चित्रकार माना जाता है, जो घनवाद का जनक माना जाता है, और इसमें सर्वप्रथम कार्य करने वाला चित्रकार, कोलाज पद्धति में कार्य करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था भैया? तो इसमें पब्लो पिकासो जी थे, पिकासो। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी कोलाज पद्धति में मित्रों। इसमें जो है पिकासो ने एक पेंटिंग बनाई थी मित्रों, बेत पर कुर्सी का वास्तु समूह। अगर मित्रों क्वेश्चन आ जाए वेद पर कुर्सी का वास्तु समूह चित्र कोलाज पद्धति में किस कलाकार के द्वारा किया गया है, तो वो है मित्रों पब्लो पिकासो जी। अगर मैं भारत की बात करता हूं मित्रों, तो भारत में कोलाज पद्धति में काम करने वाला कलाकार, कोलाज पद्धति में काम करने वाला चित्रकार तो मित्रों भारत में जो कोलाज पद्धति में चित्रकारी करता था वो है भैया सतीश चंद गुजराल। कौन है भैया? सतीश चंद गुजराल। ये भारत के चित्रकार थे जिन्होंने कोलाज पद्धति में काम किया था, सतीश चंद गुजराल। तो एक बार पुनः देखते हैं मित्रों कोलाज पद्धति में क्या होता है। इसमें कागज के या कपड़े के छोटे छोटे कतरनों का प्रयोग किया जाता है और इसकी खोज 1912 में जॉर्ज ब्राक महोदय जी ने किया था, जिनको घनवाद का जनक माना जाता है। और इसके बाद प्रथम कोलाज पद्धति में चित्रकार कौन थे? पब्लो पिकासो, जिनकी पेंटिंग थी वेद पर कुर्सी का वास्तु समूह चित्र पब्लो पिकासो का माना जाता है मित्रों। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में एक चित्रकार थे सतीश चंद गुजराल, जिन्होंने कोलाज पद्धति में मित्रों कार्य किया। जो मित्रों ये फ्रोताज पद्धति है, इसकी खोज किसने किया था? सन 1925 में 1925 में मार्क इंसर्ट महोदय ने किया था। इंसर्ट ने किया था। ये जो फ्रोताज पद्धति है मित्रों, इसमें क्या होता है, इसमें धरातल
या धरातल या कागज इसमें धरातल या कागज कागज को रेगमाल की सहायता से धरातल को रगड़ा जाता था इसलिए धरातल धरातल या पोत में धरातल या पोत तैयार किया जाता था मित्रों एक बार प्रोताज को पुनः देखते हैं। प्रोताज इसकी खोज सन 1925 में मार्क इंसर्ट महोदय जी ने किया था। इसमें धरातल या कागज को रेगमाल की सहायता से धरातल को रगड़ा जाता था, इसलिए धरातल या पोत तैयार किया जाता था। मित्रों ब्रोन ब्लास्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता था मित्रों, हम लिख सकते हैं मित्रों, इसमें रंगों की बूंदों को डालकर मुंह से फूंक मारकर धरातल तैयार किया जाता था। धरातल तैयार किया जाता था मित्रों। इसके बाद हम बात करते हैं बाटिक चित्रकला या बाटिक चित्रण माध्यम। इसमें मित्रों क्या होता था, बाटिक में पहली बात तो इसको देखिए कहां पर किया जाता था मित्रों। तो बाटिक का प्रयोग कपड़े पर या चमड़े पर किया जाता था। मित्रों बाटिक पर मोम को गैस से पिघला करके रंग भरे जाते थे और चमड़े पर देसी बंगूल की जो गोंद निकलती है उस पर उसको भर करके कलर किया जाता था। और तो इस बाटिक कला का जन्म इस बाटिक कला का जन्म
इंडोनेशिया में हुआ मित्रों, इंडोनेशिया में हुआ है। मित्रों एक बार पुनः देखते हैं, ब्लोन ब्लास्टस, इसमें रंगों की बूंदों को डालकर मुंह से फूंक मार करके धरातल तैयार किया जाता था, और बाटिक चित्र का जो माध्यम है इसको कपड़े पर या चमड़े पर किया जाता था, और जो कपड़े पर मोम का प्रयोग होता था उसको गैस के माध्यम से पिघला करके भर करके रंग भरे जाते थे, और उस चमड़े पर जो है मित्रों देसी बमूल की गोंद को भर करके रंग किया जाता था मित्रों। और इस बाटिक कला का जन्म मित्रों इंडोनेशिया में हुआ है। तो वीडियो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करना। और मित्रों अब मिलते हैं इसी के आगे के जो पैटर्न हैं, अभी बहुत सारे पैटर्न हैं उनको भी बताना है, तो कम से कम 3 से 4 पैटर्न बनेंगे। तो अगर मैं 10-10 लेकर चलता हूँ या 15-15 लेकर चलता हूँ तो फिर भी 60-65 पैटर्न हैं, तो इनमें तो समय लगेगा। लेकिन मित्रों यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मित्रों मिलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।